हेलो एवरीवन, मैं अंबुज सिंह, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जैसे आपके सामने ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे हो कि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें काफी सारे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। और ये कहा गया इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो सेमी सर्कल्स का जो एरिया है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इस बात को इसमें पूछा गया है। जरा इस बात पे गौर करना, बड़ा ये मजेदार कॉन्सेप्ट है। जरा इसको समझेंगे पहले हम, फिर हम इस सवाल पे आएंगे। तो मेरा जैसा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि पहले मैं कुछ बेसिक्स जानकारी आपको दूंगा और उसके आधार पर जब वो पूरी चीज आपके दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाएगी तो आपके सामने सवाल रखूंगा, आपको 2 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझिए कुछ बातें यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो जैसे मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल की ही चर्चा हो रही है, तो ये मैंने एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और जो कि बी पर समकोण है, बी पर राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, ये मैंने बना दिया। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसकी साइड को ए लेता हूं, इसकी साइड को बी लेता हूं, इसकी साइड को सी लेता हूं, आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस का एक रिजल्ट होता है। ठीक है, अब मैं इन तीनों साइड के ऊपर कुछ ना कुछ फिगर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। जरा देखना कि अगर मैं इसको बेस बांधते हुए अगर मैं ऐसा एक स्क्वायर बना लूं, यहां पर इसका ये ए है, ये ए है, ये ए है, अगर मैं इसको बेस मानते हुए इस पर एक स्क्वायर इस तरह से बना लूं, ये सी है, ये सी है, ये सी है, अगर मैं इस बी को बेस मानते हुए ऐसा एक स्क्वायर बना लूं, ये सी, ये सी, ये सी, ठीक है, सॉरी बी है, ये बी है, ये बी, ठीक। अगर आपके पास, मैंने यहां पर एक रिजल्ट कोई बात की, ये पाइथागोरस को अभी यहां से साफ करते हैं, जरा देखना है क्या है एक्चुअल में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर इस स्क्वायर का एरिया बताएं, तो आप कहेंगे कि सी इंटू सी, ये हो गया सी स्क्वायर। इस साइड पे जरा देखें, ये ए है, ये ए है, अगर मैं कहूं कि पर्टिकुलरली इस स्क्वायर का एरिया बताएं, तो आप क्या कहेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। एंड मैं कहूंगा आपको पर्टिकुलरली इस स्क्वायर का एरिया बताएं, इसमें साइड बी है, तो आप बोलेंगे बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब आप लोग ये जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। ठीक है, और आपके सामने एक रिजल्ट और यहां पर तैयार है, आपके सामने ये रिजल्ट यहां से तैयार है कि अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया को ऐड कर दूं, इसको इसको, तो डेफिनेटली ये जो एरिया है वो का जो जोड़ है वो इस एरिया के जोड़ के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई कोई बात नहीं। अगर मैं कहूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल 8 है, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 6 है और इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 8 है, ये 6 है, और ये जो है डेफिनेटली 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 8 8 8 8 इसके साइड है, तो इसका एरिया 64 होगा कि नहीं। चलिए, अगर मैं कहूं 6 6 6 6 इसका एरिया 36 होगा कि नहीं। अगर मैं कहूं 10 10 10 10 इसका एरिया 10 का स्क्वायर यानी 100 होगा कि नहीं, आप देखेंगे 64 + 36 = 100। यानी आप बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्षेत्रफल दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा तो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझ में आती है कि यहां पर मैंने पर्टिकुलरली स्क्वायर की बात की थी। ठीक है, एक चीज यहां पर गौर कीजिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये सेमी सर्कल खींचता हूं, ये एक सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को खींचता हूं, ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है, और ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना लिया, तो यहां पर भी सेम निष्कर्ष निकलने वाला है, रिजल्ट सेम होगा कि इसका एरिया, सपोज ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, तो मैं यहां पर भी बोलूंगा A3 बराबर A1 प्लस A2 होगा। ये बात आपको हमेशा से समझ में आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए, क्योंकि सपोज ये जितनी भी साइड है, मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, समझना जरा, ABC को मैं यहां से हटा देता हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाता है कि अगर मैं नंबर्स को यूज करता हूं, इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे पाई 6/2 का स्क्वायर। अगर मैं कहूंगा, ठीक है, इस सेमी सर्कल का इसका जो रेडियस है, अच्छा, अपॉन 2 भी होगा, अब ये हो जाएगा π/2 8/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं
तो आप देखेंगे कि पाई अपॉन ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, पाई बाई 8 स्पेस से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बराबर में अगर मैं इसका एरिया की बात करूंगा तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, यानी सेमी सर्कल है इस वजह से, और लिखूंगा 10 बाई 2 का स्क्वायर, यानी पाई बाई 8 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो पाई बाई 8 इंटू 10, आप देखेंगे ये कैंसिल, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 10 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इस तीनों साइड पे, चाहे मैं स्क्वायर बनाऊं चाहे मैं सेमी सर्कल बनाऊं, अब आपको यहां से आगे की बात मैं बता देता हूं, चाहे मैं ऑक्टागन बनाऊं चाहे मैं यहां पर कुछ भी फिगर बनाऊं, समझे बात को। तो ये जो एरिया है ये दोनों साइड के एरिया इसके बराबर होगा ही होगा, क्लियर है बात। तो एक चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए, जो भी फिगर बने, लाइक अगर मैं यहां पर आपको इस तरह का एक फ्लावर बना दिया, यहां पर भी ऐसे एक फ्लावर, यहां पर भी एक ऐसा बना दिया, मैंने ये कहा कि A1, A2, A3, सो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये होगा ही होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जो भी फिगर बने वो सिमिलर फिगर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अभी हमने यहां पर सीखा समझा। अब मैं यही सवाल उठाता हूं, एक्चुअल में किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम था, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये तो एक अच्छा कंसेप्ट है, सबको बताना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो इस पे एक इस कंसेप्ट पे एक वीडियो दे दिया जाए। बेसिकली होता क्या है कि हमको गणित पढ़ना ही ऐसा चाहिए कि जो भी हमारे पास चीजें हों उसका उसका बेसिक्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वो आपके ब्रेन में चलना चाहिए, वो क्वेश्चन उसका कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में चलना चाहिए जैसे वो सवाल आए। ठीक है, और वो तभी चलता है ना जब हमारे पास फंडामेंटल हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो जरूरत है अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने की। ठीक है, बाकी सारी ट्रिक्स वगैरह तो अपने आप बनने लग जाती हैं, सवाल के आंसर दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना, आइए सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ए पर राइट एंगल था, यहां पर एक सेमी सर्किल है, यहां पर एक सेमी सर्किल है, यहां पर एक सेमी सर्किल है, तो मैंने इस तरह से तीन सेमी सर्किल से यहां पर ड्रॉ किया। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जैक्ट सामने जब होता है ना तो हमको ये मालूम नहीं होता वो ड्रॉ कैसे हुआ, यहां तो मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये सब चीजों को समझने के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की और जरूरत होती है। जैसे यहां पर बोला गया था ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक है, और लंब समद्विभाजक क्या काम करता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये लंब समद्विभाजक अगर है तो इस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा डिवाइड करता है। उसके अलावा इसमें ये भी एक सेमी सर्किल था, एक सेमी सर्किल ऐसा था और एक सेमी सर्किल इसमें ऐसा था। ठीक है, ये एक फिगर यहां पर बोला गया था, इसमें जो शेडेड पोर्शन है ना ये, और यहां पर ये एक शेडेड पोर्शन है और ये एक शेडेड पोर्शन है और ये एक शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन के एरिया को सपोज ये ए है, ये बी है, इसका एरिया सी है और इसका एरिया डी है, और आपसे पूछा गया था रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यानी रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी, ये रिलेशन आपसे पूछा गया था, ऐसा एक सवाल था। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना जरा, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, बस ये है कि इसको आप समझ से सही से देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बस यही बात है और कुछ नहीं। यहां पर एक चीज मुझे बताना कि अगर ये वाला पोर्शन गायब होता, ये नहीं होता, ये आपको नहीं मालूम होता, तो आप क्या कहते, ए बराबर डेफिनेटली 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, तो कर्ण पे बना जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल ये एरिया के बराबर होगा कि नहीं, इतनी बात क्लियर है, ये होगा बराबर। अब यहां पर थोड़ा सा हमको ये फंसा दिया कि ऐसे करके ये जो बीच में जो फिगर बना है यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं है। समझिए जरा मेरी बात को, ये बोला गया था, ये बोला गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक क्या काम करता है, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है और सामने वाले साइड को बाइसेक्ट यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड भी करता है, जितना पार्ट ये है उतना ही है, समझना मेरी बात को। अगर मैं सिंपल सी बात, जरा मेरी बात को ऐसे समझिए कि इस एरिया को अगर मैं M कह दूं या A1 कह दूं और इस एरिया को अगर मैं
ए टू कह दूं, ठीक है। तो यहां से अगर इस एरिया को, अगर देखो इसको अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं इधर ले आऊं, समझना जरा, इस पोर्शन को, ये एरिया को मैं ऐसे करके इधर ले आऊं, तो ये और ये सेम चीज होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी इसका जो इतना डायमीटर है वही डायमीटर ये है, समझना मेरी बात को। तो अब मैं बोलूंगा कि ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू, बोल पाऊंगा कि नहीं। सो ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू, इसको मैंने शिफ्ट किया इस तरफ से, क्योंकि ये ऐसे ही एक सेमी सर्कल मैं सेम सिमिलर बनाऊंगा इधर, तो यही ए वन एरिया के इधर बन जाएगा। तो ए वन प्लस डी इज इक्वल टू ए टू, ये अभी हमने इस बात को समझा। तो एक तो बात ये बन गई, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब वापस आइए इस बड़े वाले ट्राइंगल की ओर। यहां पर अगर मैं इस एरिया की बात करूं ए, तो ए प्लस ए वन, देखिए जरा ये ए में से केवल शेडेड पोर्शन है और ए वन भी है, मैंने लिख दिया बराबर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर मैं लूंगा बी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास है सी प्लस ए टू। बोलिए यहां तक ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर इस बात पर गौर करना जरा कि ए वन माइनस ए टू बराबर मेरे पास यहां पर है, या ए टू माइनस ए वन बराबर है डी, ठीक है। यहां पर इस चीज को ऐसे समझे, ए बराबर मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी प्लस ए टू और माइनस का ए वन। ए टू माइनस ए वन की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं डी को, तो बी प्लस सी प्लस, इसकी जगह पर ये d है तो मैंने d लिख दिया। अब आप समझें मैंने यहां पर क्या प्रूफ किया, ये जो एरिया है ना a, ये a1 एरिया ये अलग है, ठीक है ना। ये जो एरिया है ये इस सर्किल के अंदर आप देख रहे हो, ये जो एरिया है वो किसके बराबर है, b प्लस सी प्लस डी के बराबर। आगे से इस तरह के सवाल पे कोई भी निष्कर्ष आता है, कोई भी डेटा आता है, कोई भी आंकड़े आपके सामने आते हैं, तो आपको इसी तरह से डील कर लेना है। सवाल के अंदर कुछ नहीं था, इसको अगर मैं इधर खिसका दूं तो ये एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा, और यही से ये कंसेप्ट बना है, ठीक है। तो आसान सी बात थी, थोड़ा सा घुमा फिरा के, इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, सवाल का आंसर सामने होता है लेकिन हमने उस तरह से पहले काम नहीं किया, इस वजह से हमको ये कुछ नया लगता है। तो अब 2017 के क्वेश्चंस को देखते हुए ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चन को करने की जरूरत है, और बेसिकली जब क्वेश्चन करें हम तो उसका कंसेप्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चलो ये क्वेश्चन आ गया तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, और क्वेश्चन अगर ऐसे बने तो वो क्वेश्चन होना क्या चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़ा सा अपडेट रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैं कहता हूं कि आपके हर क्वेश्चन हर सवाल के पीछे अगर कोई आपका जो वाई है वो हमेशा लगा होना चाहिए, कैसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, जानने की उत्सुकता क्यूरियोसिटी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आज मैं इतने रखता हूं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज देता हूं, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।